मैम आप? अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना? जी प्लीज। Hi baby, you want to dance with me? ये क्या बदतमीजी, बेशरम। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और बड़ों से इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म गाएगा डिस्को है। तुम यहाँ से जाते हो या लगाओ एक खींच के। गुल, गुल, गुल। एक कुकी। तुझे पता है मैंने उस डोबी मानसी को भगा दिया। अरे एक ही घर में इतने सारे नौकरों की क्या जरूरत, वो भी तेरे होते हुए। इसीलिए मैंने उसका पोटला उठा के घर के बाहर फेंक दिया। बराबर किया ना मैंने? अरे कोकी बस्कर, अब कितनी प्रार्थना करेगी तू? अरे ऐसे तो कृष्ण भगवान भी कंटाल जाएंगे तुझसे। सुबह शाम सिर्फ तेरी प्रार्थना सुनेंगे क्या वो? हाँ, अरे किसी और को भी तो मौका दे अपनी प्रार्थना सुनाने का। एक मिनट रुक। ये देखो कि मैं अपनी हेयर स्टाइलिंग बदल रही हूं। तेरी हेयर स्टाइलिंग भी बदलूंगी ना तो मस्त लगेगी। हाँ, ऐसे सड़ा हुआ मुंह रखेगी तो तेरे चेहरे पे कोई भी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं लगेगी। चल अब कृष्णा भगवान की तरह टेंशन को भी आराम दे दे, सब ठीक हो जाएगा। काश कि ऐसा ही हो उर्मिला बहन, आज तो बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मीरा गोपी वो की बात मान ले और समझ भी ले। वैसे भी वो तेरी हंटर वाली है ना, अभी अभी तेरे टेंशन दूर करने ही गई है ना। वैसे भी बड़ी खतरनाक बाई है, जो एक बार मन में ठान लिया तो करके ही रहती है। चल जब तक वो नहीं आती ना तब तक तू मेरे बालों में दो पोनीटेल बांध दे और अच्छे से बांधना, जैसे मेरी मां बांधती थी, समझी? ओके चल ले। Who the hell is she? है कौन ये? चुप! एकदम चुप! मैं इसकी माँ हूँ। और अगर इसको छूने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। How dare you? I'm sorry, dear. ये लेडी पागल हो चुकी है। इसको किसने आने दिया अंदर? मीरा, इधर आओ। तुम होश में भी हो कि तुम क्या कर रही हो? जिसे तुम डियर कह रही हो, पता भी है ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? Oh God! कितनी बार कहूँ, आप मेरी माँ नहीं हैं। Hey मीरा, calm down, just ignore her. मैंने क्या कहा? अभी अभी कहा ना? मीरा से दूर रह। और अगर दोबारा मीरा को हाथ लगाने की कोशिश की तुमने, तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूँगी। अगर आपने इतनी सी भी शर्म है ना, तो चले जाइए यहाँ से। For God's sake, just leave me alone. मीरा, देखो मैं जानती हूँ इस वक्त तुम होश में नहीं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझसे नाराज हो, ठीक, हम घर चलकर बात करें। पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि मैं क्या समझूं? मैं आप मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे आके थप्पड़ मारती है। मीरा, हम घर चलकर बात करते हैं, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो,
Just leave me, Gopi! Leave me! जिगर की तो तुम्हारे जिगर का आकार क्या है? वो परी काकी ने कहा था कि माँ मोदी मैंशन से जिगर काका की कार लेकर निकली है। इसका मतलब माँ यही होंगी। चलो चलो। क्या आपने इस लड़की को देखा? सॉरी सर, पूरे दिन में बहुत से लड़के लड़कियां आते रहे, ऐसे चेहरा पहचानना मुश्किल है। एक मिनट। आपने इस औरत को तो देखा होगा। अरे ये औरत तो अभी अंदर गई है। उस औरत ने उस लड़के को क्या जोरदार तमाचा मारा है। हाँ, पूरा डिस्को था खिला दिया उसने। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो औरत उस लड़की की माँ थी तो उसने सबके सामने अपनी माँ की इंसल्ट क्यों की? अब ये तो भगवान जाने। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। इस रूम के लिए गोल्डन ही बेस्ट है। नहीं, रेड। भाई जिद क्यों कर रहे है? मैं कह रहा हूँ ना, गोल्डन बेस्ट है तो बेस्ट है। जिद तू कर रहा है, इस रूम के लिए रेड बेस्ट है। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? लाओ, ये मेरी गोपी बहन का रूम है, इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगी कि इस रूम का लुक क्या होगा, तुम दोनों नहीं। मॉम, गलत बात, क्योंकि आपसे पहले हम ये रूम टेक ओवर कर चुके हैं। अरे स्टैचू, कांच का टूटना तो आई होप कुछ अपशगुन ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, कहते हैं कि कांच का टूटना अपशगुन होता है। सारा मूड खराब कर दे। मीरा मेरी बात तो सुनो। क्या है, क्या देख रहे हो? काम खत्म हो गया ना, जाइए यहाँ से। ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? किस मिट्टी की बनी है आप? हाँ, 100 बार नहीं 1000 बार बोला होगा मैंने आपसे कि दूर रहिए मुझसे। मेरा, मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं सच्ची में चाहती हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। क्या अपनी माँ को एक आखिरी मौका नहीं दोगी? मौका? आपको मौका चाहिए? अरे जब आपके पास मौका था ना, तब आपने मुझे तालाब में डूबने के लिए छोड़ दिया था। 8 साल मैं अपनी फैमिली से दूर रही हूँ, समझी आप? और जब भी आपको मौका मिला, आपने अपनी महानता प्रूफ करने के लिए मुझे फिर से छोड़ दिया। और आज वो गोपी मोदी मौका मांग रही है।
आंखें खोलो गोपी, तनु कुछ नहीं होगा गोपी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गोपी, मुझसे बात करो गोपी, कोई हेल्प करो प्लीज। मुझे नहीं पता, हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना। चलिए विद्या, मेरी बात तो सुन। I swear मैंने जानबूझ के नहीं किया। माफी मांगी मामा। विद्या, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।